अगर कोई वेटिंग रूम में हुआ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ही मिन शैतान वजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुलौज भी रब्बिन नास, मालिक नास, इलाही नास, कुल वसवासी खन्नास अल्लजी युवस फिसू फी नास मिन जिन्नत वन्नास, कुलौज भी रब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक मिन शर्री वासिकिन इज़ा वक़ब ومن شر النفاثات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. آواز آ رہی ہے آپ کو سکون؟ جی سر. Can you see the slide? Yes sir. अली आपको भी आ रही है? जी सर. अच्छा अली आप की पेन आई के कोई वेटिंग रूम में हो तो मुझे लेट मी नो. ओके और ठीक है सर. आई होप कि बाकी सबको भी आवाज आ रही है. किसी का क्वेश्चन हो तो दे कैन रेज योर हैंड्स. स्कूल प्लीज स्टार्ट रीडिंग जरा आहिस्ता आहिस्ता. जी जी सर. प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा 1 in 10,000 बर्थ 65% बॉयज ऑटोसोमल रिसेसिव. ठीक हो गया. दोबारा पढ़े आस्ता आस्ता ताकि याद भी हो जाए. प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा 1 in 10,000 बर्थ 65% बॉयज ऑटोसोमल रिसेसिव. ठीक हो गया. यानी कि हर 10,000 जो बर्थ होती है उसमें से एक बच्चे को ही होता है और 65% इसमें बॉयज इन्वॉल्व होते हैं. ऑटोसोमल रिसेसिव है इसका पता ही आपको. डोमिनेंट और रिसेसिव में फर्क क्या होता है? तो इसका एक और नाम भी होता है, वो आपको पता है? नहीं सर. एनीवन? हिजाब. बुफ्थेल्मोस. बुफ्थेल्मोस. स्टूडेंट्स को ऐड कर ले. अच्छा ठीक है जी. अच्छा तो बुफ्थेल्मोस जिस तरह वो बुफेलो की आई होती है ना बड़ी सी, आपने देखी होगी. जी सर. तो इसलिए इसको बुफ्थेल्मोस भी कहते हैं. वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके जी चलें स्कूल पढ़े. प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा टाइप्स ट्रू कॉन्जेनिटल इन्फेंटाइल एंड जुवेनाइल. ठीक हो गया. अब ये कंजेनिटल ग्लूकोमा, प्राइमरी कंजेनिटल ग्लूकोमा और बुफ्थेल्मोस एक ही नाम है. इसकी टाइप ये भी हो सकती है कि बेबी इज बॉर्न विद द बिग आई, बिग ब्लूश आई लाइक अ बफेलो. तो इट इज कॉल्ड ट्रू कंजेनिटल प्राइमरी ग्लूकोमा. Or he may be normal at birth and he may develop this disease in the first year of his life. That is in infancy. And if he remains normal and he develops later on before his 16th birthday, then we will call it a juvenile primary congenital glaucoma. Clear? Yes, sir. हिजाब क्लियर है? जी सर. आई हैव लॉर्ड यू टू रिकॉर्ड. ओके जी सर. हो रहा चले जी. आस्ता आस्ता पढ़े स्कूल. प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा कॉर्नियल हेज बुफ्थेल्मोस ब्रेक्स इन रिसिमेंट मेम्ब्रेन ग्लैकोमेटस कपिंग. ठीक हो गया. ये आप पहले इसकी पिक्चर देखें. इन विच आई स्पून डू यू थिंक द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बुफ्थेल्मोस, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट. लेफ्ट. अली व्हाट डू यू थिंक? सर लेफ्ट आई लग रही है. लेफ्ट आपके कंप्यूटर में पता नहीं किस तरह आ रही है.
मतलब राइट होगी ना, मतलब उसके तो राइट होगा, लेकिन पेशेंट की कौन सी है? पेशेंट की राइट है। स्पून पेशेंट की कौन सी है? राइट। क्या उसमें चेंज लग रहा है आपको? सर हेजीनेस है कॉर्निया। हैं? बोले अली। सर थोड़ी हेजीनेस कॉर्निया में नजर आ रही है। वेरी गुड। कॉर्निया उस तरह क्लियर नहीं है देखें जिस तरह दूसरा क्लियर है। जी सर। और साइज भी बड़ा है थोड़ा। साइज बड़ा है। वेरी गुड। साइज बड़ा है। और भाई ये दो इम्पोर्टेंट फीचर इसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा अब देखें व्हाट इज द पैथोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी इन कंजेनिटल ग्लॉकोमा। ठीक है जी सर। या पैथोजेनेसिस, वो ये होती है कि इन ऑफ्थाल्मोस द बेसिक पैथोजेनिक पैथोलॉजी इज दैट देयर इज ए जेनेसिस ऑफ ट्रैबिकुलर मेशवर्क। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द drainage system of the eye through which the aqueous humor goes out of the eye is not developed, maldeveloped, which includes trabecular meshwork, Schwalbe's line and all these things. Okay? Yes, sir. ठीक है अली? जी सर। अब मैं आपका नाम ले रहा हूँ अगर स्पून का, अली का, हिजाब का, तो आई मीन आप लोग से फीडबैक ले रहा हूँ, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी क्लास भी यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास इन दिस लेक्चर। आपको पता है हर लेक्चर में मैं कभी किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, कभी किसी को मौका देता हूँ, हर एक बंदा इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स को ऐड कर ले। ठीक है मैं कर लेता हूँ, मेरे बात सुन ले। तो आपके बिहार पे बाकी क्लास भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनको समझ आ रही है, जिनको समझ नहीं आ रही हो वो काइंडली हाथ खड़ा कर दे, मैं उधर उनके क्वेश्चन को एड्रेस कर दूंगा। वो एंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है एंड पे वो भूल जाए। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। तो आपको पैसे जाने से समझ आ गई ना? जी सर। अब ऊंचा बोले, अब पैथोजेनेसिस में जब होगा ये, तो व्हाट डू यू थिंक सुकून के जब ड्रेनेज नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन? सर इंट्राऑक्युलर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। देन व्हाट विल हैपन अली? जी सर। इंट्राऑक्युलर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, व्हाट विल इट कॉज? ग्लोकोमा तो हो ही गया ना, आगे कौन से स्ट्रक्चर्स को डैमेज करेगा उसका? एक तो वो जो ऑप्टिक डिस्क को भी डैमेज करेगा सर। किसको? ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करेगा। और एक सामने लिखी हुई चीजें भी नजर आ रही हैं आपको यार। ब्रेन को डैमेज करेगा, डेसिमेट्स में ब्रेन कॉर्निया को डैमेज करेगा। हां कॉर्निया को ब्रेक्स कॉर्निया को डैमेज करेगा, जिसमें डेस्पेस मेम्ब्रेन है जो फोर्थ लेयर ऑफ कॉर्निया है। ठीक है ना जी सर। और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो पानी को एक्वस ह्यूमर को इट कीप्स रिमूविंग दैट वाटर फ्रॉम फोर्थ लेयर इनसाइड द एक्वस ह्यूमर अगेन, बट व्हेन अ सर्टेन टाइम कम्स व्हेन द प्रेशर इज सो हाई the sodium potassium pump becomes non-functional. Okay? Ji sir. In that case, the aqueous humor will go into the layers of the cornea. There will be through the breaks of the Desmos membrane and ultimately corneal haze will become prominent. Got it? ठीक है ना? और ये तो उसकी anterior segment के ऊपर complications हो गई। और जब प्रेशर आंख पूरा पड़ेगा तो पीछे ऑप्टिक नर्व के ऊपर कपिंग भी होगी। ठीक हो गया?
यस सर ठीक है अच्छा इधर एक स्टूडेंट कह रहे हैं ऐड करें ओके मैंने ऐड किया है जो लेट आया प्लीज टाइम पे आ करें ठीक है फिर वो आपका मिस हो जाता है इसलिए मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ यूट्यूब पे लेकिन यू शुड कम इन टाइम तो यहाँ तक क्लियर है किसी का एक्सक्यूज मी किसी का भी क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें देन वी मूव फॉरवर्ड So this is ophthalmos of the right eye of the patient where you can see there is haziness of the cornea and the corneal diameter is increased and if cornea is not very hazy and we are able to visualize the optic disc there will be cupping as it happens in the primary open angle glaucoma. Here I want to make a statement which you all people must remember. As you know that in every lecture and in my YouTube videos, I tell you some line or some words which I feel that even if you forget the lecture, you must not forget this line. You know? Yes, sir. So here the statement which I'm going to give, you must not forget it. Okay? The statement is, as in primary open angle glaucoma, the progression of the optic disc cupping is a sign of the progression of glaucoma. In congenital glaucoma, we measure the diameter of the cornea, and in this case, the increase in the diameter of the cornea has got the same value of progression of glaucoma, the congenital glaucoma, ophthalmos, as the optic disc cupping has got the value in primary open angle glaucoma. In short, बच्चों के अंदर जो corneal diameter का size है वो हम गेज के साथ एवरी 2-3 मंथ्स मेजर करते हैं और अगर वो बढ़ता है तो उसकी वही इंपॉर्टेंस है जो ऑप्टिक डिस्क कपिंग की बड़ों में होती है समझ आई बात जी सर अली साहब जी सर क्योंकि इसमें ऑप्टिक डिस्क विजुलाइज करना मुश्किल होता है इसमें कॉर्नियल डायमीटर जो सा है वो मेन स्टे ऑफ असेसमेंट है तो हम कॉर्नियल डायमीटर को एवरी 3 मंथ्स चेक करते हैं अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का ग्लॉकोमा बढ़ रहा है और वो इज नॉट अंडर कंट्रोल सो वी मस्ट हैव अ वेरी क्यूरियस एंड वेरी गिव अटेंशन स्पेशल अटेंशन टू द कॉर्नियल डायमीटर ओके जी सर चले जी अली साहब पढ़े आहिस्ता आहिस्ता सर ट्रीटमेंट गोनियोटमी एंड ट्रेबिकुलोटमी गोनियोटमी एंड ट्रेबिकुलोटमी ये आपके लिए नए वर्ड्स हैं नहीं सर ट्रेबिकुलोटमी भी की हुई है और किधर की हुई है मैंने तो अभी तक नहीं बताई मैंने आपको ट्रेबिकुलेक्टमी बताई थी Trabeculectomy. You know what is goniotomy? Sir, cornea पे कुछ करते हैं. Cornea को clear करते हैं. And trabeculotomy? Sir, trabecular meshwork को हम लोग surgical procedure के through सही करते हैं. अच्छा. अब ये बताएं हिजाब के मैंने अभी बताया था इसके अंदर बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है ऑप्थल्मोस पे अभी बताई थी थोड़ी देर पहले
सर के एनलार्जमेंट ऑफ आई वो तो कॉन्सिक्वेंसेस है फजी, आप बताएं बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है? सच्ची बोले फजी साहब, एनीवन हु नो हु रिमेंबर्स which I told just a few minutes back in the lecture, please raise. Sir, agenesis of trabecular meshwork. Yes. Agenesis of the trabecular meshwork. ठीक है ना? तो angle बना ही नहीं है उसका. तो हमने क्या करना होगा treatment के लिए? Common sense क्या कहती है? What should we do? Sir, एक window create करनी होगी for the aqueous drainage. Yes. So that is called goniotomy. ठीक है सर, ये देखें आप, ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? ठीक है जी सर, मैं थोड़ा सा इलाज करता हूँ. ये आप एरो नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है. ये पिक्चर ली है हमने स्पेशल बोनियो लेंस से जिससे हमें एंगल नजर आ रहा है. यहाँ पर कोई हमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क या कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा क्योंकि एंगल बना ही नहीं है. इस जगह पर जो एरो नजर आ रहा है आपको, इसके लेफ्ट साइड पे देखें आपको एक वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक चीज नजर आ रही होगी लेफ्ट साइड पे, इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है. जी सर. अली आ रहा है? जी सर. ये जो राइट लेफ्ट साइड पे वाइट कलर का इंस्ट्रूमेंट है ना, दिस इज नाइफ. It is called gonio knife. Okay. Hijab. जी सर. Are you getting me? हाँ जी. ये left side पे क्या है? Gonio knife. हाँ. तो ये arrow है, ये जहाँ पर angle है. तो what we do? हम limbus से जाते हैं. दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से, उधर से हम थ्रू स्पेशल गोनियो लेंस अंडर माइक्रोस्कोप, बिकॉज विदाउट गोनियो लेंस वी कैन नॉट विजुलाइज द एंगल. माइक्रोस्कोप के नीचे गोनियो लेंस लगाते हैं, देन वी आर एबल टू सी द एंगल, देन वी एंटर थ्रू द ऑपोजिट साइड थ्रू दिस गोनियो नाइफ एंड एट द प्लेस वेयर द प्रपोज्ड tabular meshwork should have been, we give an incision jahan par arrow in the direction of the arrow, jahan par arrow bana hua hai wahan par hum ek incision dete hain, ek semi circular. acha theek hai, theek hai sir. spoon samajh aa rahi hai? sir aa rahi hai. अली समझ आ रही है? जी सर आ रही है समझ. तो जब ये हम इंसिजन देते हैं तो ये एक विंडो बन जाती है और अब वो जो एक्वस ट्यूमर जोन से एंटीरियर चैम्बर में अब यहाँ से ड्रेन होगा और ड्रेन होकर फिर जाएगा थ्रू एपिस्कुलर वेसल्स. तो सुकून जरा रिपीट करें ये सर्जिकल प्रोसीजर गोनियोटॉमी का. सर जहाँ पर ये एरो है इस जगह पर हम लोगों ने एंगल को क्रिएट करना है. इसकी राइट साइड पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको गोनियो नाइफ बोलते हैं. बेसिकली हम क्या करते हैं कि गोनियो लेंस इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके थ्रू हम ऑपोजिट साइड पे एक इंसिजन देते हैं लिम्बस के थ्रू. और यहाँ पर हम एक स्क्वीजन शेप होल क्रिएट करते हैं जो बेसिकली एक विंडो होता है, तो उसके थ्रू हमारे पास फिर एक्वस ड्रेनेज स्टार्ट हो जाती है. होल नहीं क्रिएट करते, एक क्रिसेंट शेप, नॉट होल, इट इज अ क्रिसेंट शेप विंडो ओपनिंग, यू कैन से इट अ विंडो. ठीक है, नॉट होल. ओके सर. और जो टैब्यूलोटमी होती है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर भी हो सकता है और एक
ये तो गोनियोटमी होगी। फेबिकुलोटमी कैन बी अ सर्जिकल प्रोसीजर और इट कैन बी अ लेजर प्रोसीजर। इसमें करते क्या है, इसमें हम ये कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उसमें पार्शली डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क के एंगल के, तो हम सर्जिकली और विद द हेल्प ऑफ अ लेजर वी क्रिएट अ होल। यहाँ पर आप होल कह सकते हैं, उसमें वो जो एजेनेसिस की वजह से देयर इज अ क्लोजर ऑफ द एंगल व्हेन यू डू द ट्रेबिकुलोटमी नॉट ट्रेबिकुलेक्टमी। ट्रेबिकुलेक्टमी इज प्योरली अ सर्जिकल प्रोसीजर। ट्रेबिकुलोटमी कैन ऑल्सो बी डन बाई लेजर with special gonial lenses in the same settings as we have done in goniotomy. We create a hole in that space where partially developed structures are present. We make a hole with, and this process is called trabeculotomy, and by the same process the aqueous humor drains through the anterior chamber into the general circulation and epistular blood vessels. Got it? Ji sir. जी सर समझ आ गई? जी सर। सर कुछ बच्चे हैं वेटिंग रूम में, वो कह रही हैं गर्ल्स के हमें ऐड कर लें। लेट क्यों आते हैं पहले ये पूछे ना उनसे। लेट करें ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। अच्छा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी आपको पता है 10 मिनट के बाद 5-7 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, देन यू पीपल विल रीजॉइन। और अभी किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो हाथ खड़ा करे। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर। किसी का क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें, अभी 5 मिनट रहेंगे हमारे पास, उसके बाद हम रीजॉइन करेंगे। नहीं एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। वेरी गुड। So this was all about Buphthalmos, and if you still have any questions you can ask in the next session jo abhi main start karne laga hu. Next session mein hum ye karenge ke jo eye ka examination hai na wo kis tarah karte hain wo main aapko ek dafa bataunga. Okay ji sir. Ali Kasim, raise your hand. You unmute करें अपने आप को please. Ali Kasim. Yes sir. Kasim बात करें. Yes sir. अच्छा आप बताएं मुझे pathogenesis क्या है इसकी? Yes sir. Buphthalmos में पैथोलॉजी क्या होती है सर? अभी आपको बताया बुक में देखा था लेकिन बुक्थम यस सर
नहीं बुक में तो बाद में देख लीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, दो तीन दफा रिपीट किया है ये इसने, सू ने भी, अली ने भी, मैंने भी रिपीट किया है, क्या होती है बेसिक पैथोलॉजी इन बुक थैलेमोस। सर इसमें जो आप लोगों ने सर एंजियोजेनेसिस होती है टोबैकुलर मेशवर्क की, क्या होती है उसमें फिर एंजियोजेनेसिस होती है ऑफ टोबैकुलर मेशवर्क। सर एंजियोजेनेसिस नहीं होती, एजेनेसिस होती है, डेवलपमेंट मेल डेवलपमेंट होती है। सॉरी सर, ठीक है, मेल डेवलपमेंट होती है। यस सर। और मानूर फातिमा अपना माइक अनम्यूट करें, आप बोल सकती हैं मानूर? मानूर फातिमा प्लीज स्पीक। मानूर फातिमा प्लीज अनम्यूट योर माइक। मानूर बोल सकती हैं? यस सर। मानूर फातिमा बोल रही हैं? यस सर। मानूर जारा नहीं बोल पा रही? सर आपने मानूर फातिमा का नाम लिया था इसलिए सर मैं नहीं बोली। अभी कौन बोल रहा है? सर मैं मानूर जारा हूँ, मानूर फातिमा ने अभी बोला है। बोले बताएं कि ये इसमें जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है फॉर टू सी द प्रोग्रेशन ऑफ द ग्लूकोमा, वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर कौन सा है मानूर? बोले मानूर फातिमा या मानूर जारा, एनीवन? फातिमा आप बोले ना? सर कपिंग। ओके नो इट्स नॉट कपिंग। एक मिनट जारा, एक मिनट ठहरो, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। चले जारा मैंने अनम्यूट कर दिया, अब आप बोल सकती हैं? मानूर जारा, सर ये इंट्राओक्युलर प्रेशर ज्यादा होता है। जी सर इंट्राओक्युलर प्रेशर ज्यादा होता है और ऑप्टिक डिस्क की डिस्टॉर्शन होती है। तो ये मेन चीज है मतलब इसकी असेस। सर अगर सर नेकेड आई से देखें, सर अगर आप नेकेड आई से अगर देखें तो हेजीनेस भी होती है और क्या कहते हैं सर विजुअल विजुअल एक्यूटी, सारी बातें तो होती है। मैंने अभी कहा था कि एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट मैंने कही थी कि ये यू डोंट यू नीड टू रिमेम्बर इट। यस कॉर्नियल डायमीटर इज द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द कंजेनिटल ग्लॉकोमा। ठीक है जी सर।